गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता था 1 मार्च को हमारी सोलर पंप वाले क्वेश्चन को लेकर सुनवाई लगी हुई थी, तो सोलर पंप वाले क्वेश्चन का पूरा ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है, तो उसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं। इसके अलावा हमारा कन्या विद्याधन और पुरा पर भी केस आज है, जिसको कोर्ट नंबर 29 में ट्रांसफर कर दिया गया है कोर्ट नंबर 40 से, तो उसमें केवल 13 फ्रेश केसेज हैं, तो उसकी सुनवाई भी हमारी हो जाएगी। तो चलिए पहले ऑर्डर देखते हैं पूरा। ये मेन हमारी 112 रिट थी, 429 इसके साथ कई सारी 8-9 रिट इसमें लिंक थी। देखिए पूरा सबकी डिटेल नीचे दी हुई है, तो इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। यहां से सुनते हैं। डिले इन फाइलिंग द स्पेशल अपील्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, एप्लीकेशंस आर अलाउड, डिले इन फाइलिंग ऑफ अपील इज कंडोन्ड। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है हमारा यहां से इंपॉर्टेंट। दीज अपील्स हैव बीन प्रिफर्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव टू चैलेंज द जजमेंट ऑफ लर्नेड सिंगल जज, वेयर बाय द चैलेंज लेड टू द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 79 ऑफ आंसर सीरीज बी वॉज रिजेक्टेड। ठीक है, सिंगल बेंच में क्वेश्चन नंबर 79 जो सीरीज बी का था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, उसके अगेंस्ट में ये आपका स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई थी। इट ट्रांसपायर्स दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस बंच ऑफ अपील्स द कमीशन हैज टेकन अ डिसीजन टू कैंसल क्वेश्चन नंबर 79 ऑफ बी सीरीज एंड अदर क्वेश्चन इन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज एंड अवार्ड 1 मार्क यूनिफॉर्मली टू ऑल अपेलेंट्स हु हैड अपियर्ड इन द एग्जाम। क्योंकि इस केस से संबंधित बहुत सारी डेट्स पेंडिंग थी, तो कमीशन ने रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए इन सभी अलग अलग सीरीज में जो ये प्रश्न था उसको एक तरह से सबको फुल मार्क्स देकर जितने भी लोग अपीयर हुए थे उनको इस कॉन्ट्रोवर्सी को खत्म किया। इट सबमिटेड दैट बाय श्री सीमंत सिंह दैट द आंसर गिवन बाय द अपेलेंट्स टू द क्वेश्चन नंबर 79 वॉज करेक्ट। While this court was seized of the matter, the respondent commission has arbitrarily cancelled the question itself. इन्होंने ये कहा कि 79 जो क्वेश्चन था एमसीक्यू उसमें एक ऑप्शन सही था, लेकिन कमीशन ने अपने एंड से सभी को फुल मार्क दे दिया या एक तरह से क्वेश्चन को arbitrarily कैंसिल कर दिया। Reliance is placed upon an order passed by the division bench in special appeal defective number 429 of 2023 on 23 अगस्त 2023, which reads as under. The submission of the learned counsel for the appellants is that the state grant for 1800 watt 2 horsepower surface solar pump admissible to the small and marginal farmers as per government order या GO 28 अप्रैल 2022 was 30%. Therefore, the correct answer was option B for question number 79 and not 45% as is standing recruitment body. ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि जो जीओ आया था 28 अप्रैल 2022 को उसमें 30% आंसर था, ना कि 45% जैसे कि रिक्रूटमेंट बॉडी या कमीशन ने माना। ये देखिए 429 का जो ऑर्डर आया था उसको यहां पर लिखा जा रहा है, श्री सिद्धार्थ सिंगल लर्नेड काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिक्रूटमेंट बॉडी, कमीशन की तरफ से जो वकील है उन्होंने कहा कि क्लॉज 19 ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर शोज दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 28 अप्रैल 2022 वॉज सब्जेक्टेड टू फर्दर अप्रूवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जिस क्लॉज 19 के बेस पर ये बात कर रहे हैं वो अप्रूवल के लिए था, फाइनल नहीं था, वो फाइनल था कि उसको अप्रूव करना था स्टेट गवर्नमेंट को। ही सबमिट्स दैट द अप्रूवल वॉज नेवर ग्रांटेड एंड देयरफॉर अर्लियर गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 6 जून 2018 वेयर अंडर द ग्रांट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वॉज 45% वॉज राइटली टेकन एज द करेक्ट आंसर। उन्होंने कहा क्योंकि ये अप्रूवल इसका फाइनली नहीं हुआ था 2022 वाले जीओ का, इसलिए जो इससे पहले वाला जीओ था वही कंटिन्यू था जो 6 जून 2018 को आया था, तो हमने जो आंसर माना है वो जो अप्रूव हो चुका था फाइनल जीओ 2018 वाला उसके आधार पर माना है। अगला, इट इज हाईली डाउटफुल ऑन अ प्लेन रीडिंग ऑफ क्लॉज 19 ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 28 अप्रैल 2022 टू एक्सेप्ट दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर वॉज सब्जेक्ट टू एनी फर्दर अप्रूवल। Prima facie, it appears that clause 19 only provides for mode of implementing the government order. It states that as soon as the central government share is received, the proposal for release of matching grant by state government be made available. However, we are of the view that since the government order in question has been issued by the state government and therefore it stands should be obtained as also suggested by Shri Singhal appearing for the recruitment body. देखिए इसमें पूरा क्या कहा गया है। ये plain reading अगर हम clause 19 की करेंगे तो इससे सिर्फ ये पता लगता है कि only provides for implementing the government order, ये सिर्फ government order को implement करने के लिए है, इसी तरह की बात इस पूरे नीचे कही गई है। श्री राजीव गुप्ता learned additional chief standing counsel prays for 3 weeks time to clarify the stand of the state government. इन्होंने 3 हफ्ते का time मांगा था कि state government का stand हम इस पर clear करेंगे।
अकॉर्डिंगली मैटर इज एडजॉर्न फॉर 3 वीक्स, लेट द स्टेट गवर्नमेंट क्लेरिफाई इट स्टैंड ऑन द अबव एस्पेक्ट बाय फाइलिंग एफिडेविट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरीगेशन। लिस्ट फ्रेश ऑन 13 सितंबर 2023। ये देखिए पूरा 429 का जो ऑर्डर आया था उस दिन, उसकी बात हो रही थी, बाद में इसको 13 सितंबर को लिस्ट करो। ऑन बिहाफ ऑफ कमीशन, ऑन द अदर हैंड इट इज पॉइंटेड आउट दैट सेल्फ सेम कॉन्ट्रोवर्सी अर्लियर केम बिफोर दिस कोड इन स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 60 of 2024। देखिए जो 8 फरवरी को रिजेक्ट हुआ था उसकी ये बात की जा रही है डबल बेंच में, जो हम कह रहे थे कि ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। विच हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ वाइड फॉलोइंग ऑर्डर्स पार्ट्स ऑन 8/2/2024। देखिए ये पहले ही कह दिया था, ये हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं, जो 8 तारीख का ऑर्डर था आप सबने देख भी लिया होगा। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा वही ऑर्डर है सेम। अब बात करते हैं नीचे। ऑन बिहाफ ऑफ अपेलेंट्स एन अटेम्प्ट इज मेड टू सीक फर्दर एडजुडिकेशन ऑफ द कॉज इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट निगेटिव मार्क्स वर टू बी अवॉर्डेड फॉर एनी रॉन्ग आंसर। Submission is that the commission has acted arbitrarily in uniformly granted correct marks to all students including those who had given a wrong answer. देखिए बात यहीं पर आ रही थी कि जिनका गलत था उनको भी commission ने पूरा mark दे दिया। Candidates who had not attempted the question were also extended the benefit. जिन्होंने question attempt नहीं किया था उनको भी full marks मिलता है। It is therefore submitted that commission with an intent to avoid adjudication of the cause on merits has cancelled the question which manifests arbitrariness. देखिए कमीशन ने क्या था, जो क्वेश्चन पेंडिंग था उससे बचने के लिए या उससे एक तरह से जुडिशियल मैटर से बचने के लिए फुल मार्क्स दिया है और वो उसकी मेरिट पर बहस नहीं करना चाहता था। द अपील्स आर अपोज्ड बाय श्री एच एन सिंह एंड श्री जी के सिंह लर्नेड सीनियर काउंसिल अपेलेंट फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड श्री सिद्धार्थ सिंघल लर्नेड काउंसिल फॉर द कमीशन। इस आर्गुमेंट को जो एच एन सिंह है और श्री जीके सिंह जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से अपीयर हो रहे थे और सिद्धार्थ सिंघल सर, इन्होंने इसको अपोज किया। हु स्टेट दैट द डिसीजन ऑफ द कमीशन टू कैंसिल द क्वेश्चन एंड अवार्ड मार्क्स इक्वली टू ऑल डज नॉट कॉज एनी प्रेजुडिस टू एनी ऑफ द कैंडिडेट। देखिए उन्होंने ये कहा कि जब कमीशन किसी को फुल मार्क्स देता है या कुछ और भी क्वेश्चन को डिलीट करता है तो ऐसा नहीं है वो किसी अभ्यर्थी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इट इज सबमिटेड दैट द कमीशन हैविंग realized that the question itself was capable of two possible answers, took a bona fide decision to cancel the question and award marks to all candidates, it uniformity to all. देखिए उन्होंने कहा कि क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी 30% और 45% दोनों की बन रही थी, इसलिए कमीशन को पूरा अधिकार था कि वो सबको एक मार्क दे और उन्होंने यूनिफॉर्मली उसको अप्लाई कर दिया। कमीशन हैज सबमिटेड दैट देयर वर टू प्लॉजिबल कंफ्लिक्टिंग आंसर्स विच वर बींग प्रेस्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड देयर फॉर इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग एनी फर्दर इन टू मेरिट्स ऑफ सच क्लेम द कमीशन thought it proper to cancel the question itself. This was particularly so as sufficient time has been lapsed and recruitment had to finalize early. क्योंकि हमें पता था ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल निकल चुका था भर्ती के लिए और इस क्वेश्चन पर फालतू की बहस करने से बढ़िया था कि हम इसको फुल मार्क्स देकर इस कॉन्ट्रोवर्सी को खत्म करें। अगला, having considered the respective submissions, we find that the examining body had acted in an uniform manner. Is as much as Cancelling the question, all candidates have been allowed marks against question number 79 or answer booklet D. Certain discretion has to be extended to the commission in conduct of such examination. उन्होंने देखिए साफ यहाँ पर लिख दिया है, कुछ commission को विवेकाधिकार जब वो exam conduct करता है उसको हमें देने पड़ते हैं, इसीलिए commission ने यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया है। Very often different answer to the same questions can be given depending upon the difference in perception or on account of existence of diverse literature on the point. देखिए किसी भी क्वेश्चन को देखने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी परसेप्शन में थोड़ा अंतर आ जाता है, ये इन्होंने बात यहां पर कही है। द कमीशन फेस्ड विद सच एक्सीजेंसी कैन ऑलवेज टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन टू डील विद द सिचुएशन। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कमीशन के पास अधिकार है, उसके पास पूरे राइट्स हैं कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करे, जैसा कि उसने यहां पर फुल मार्क्स देकर किया। ऑन द कोर्स ऑफ अवेलेबल इन सच अ सिचुएशन इट वुड बी कैंसल द क्वेश्चन वेयर इट इज फाउंड दैट देयर आर नो मोर देन वन प्लॉजिबल आंसर। जहां पर एक आंसर की संभावना होती है वहां पर कैंसिल करने को आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं था। इन द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस द डिसीजन बाय द कमीशन टू कैंसिल द क्वेश्चन इटसेल्फ वुड क्लियरली बी अ कोर्स अवेलेबल टू द एग्जामिनिंग बॉडी। वी वुड नॉट लाइक टू एरोगेट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट सो एज टू होल्ड दैट आंसर्स गिवन बाय द अपेलेंट्स अलोन आर करेक्ट एंड टू डायरेक्ट द कमीशन टू रिवर्स इट्स डिसीजन। सिंस नो प्रेजुडिस is otherwise caused to any of the appellants, we are not inclined to enter any further on the issue relating to the correctness of the answer and to the question itself. देखिए ना वो क्वेश्चन पे सवाल कर रहे हैं ना हम आंसर में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो
सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है उसका डिसीजन देखिए हमेशा यही कहा जाता है, जो कोर्ट होता है वो जुडिशियल एक्सपर्ट होता है, ठीक है। आयोग के पास हमेशा आपके पास आपसे ज्यादा साक्ष्य होंगे किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के, और उसमें ये नहीं जाना चाहते। अगला, इन रिफ्यूजिंग टू एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 79 वी आर कॉन्शियस ऑफ द वर्ड्स ऑफ कॉशन एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ सीरीज ऑफ जजमेंट रिक्वायरिंग द कोर्ट्स टू शो रेस्ट्रेंट टू द डिसीजन ऑफ एक्सपर्ट बॉडीज लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए जो मैंने आपसे कहा था यही होता है हर बार, जब भी एक्सपर्ट ओपिनियन होता है कोर्ट कभी उसमें डेल्व नहीं करता, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर एक्सपर्ट के पास आपसे ज्यादा नॉलेज होगी उस मैटर को लेकर, या आप उनसे ज्यादा सोर्सेज होंगे उस क्वेश्चन को प्रूव करने के, तो कोर्ट बहुत कम उस चीज में जाता है और हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ही जाता है। यहां पर देखिए आप, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वर्सेस डॉक्टर अनिता पुरी 1996 का एक जजमेंट साइट किया है जिसको आप यहां पर पढ़ सकते हो। इट इज टू वेल सेटल्ड दैट व्हेन अ सिलेक्शन इज मेड बाय एन एक्सपर्ट बॉडी लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन विच इज ऑल्सो एडवाइज बाय एक्सपर्ट्स हैविंग टेक्निकल एक्सपीरियंस एंड हाई अकेडमिक क्वालिफिकेशन इन द फील्ड फॉर विच द सिलेक्शन इज टू बी मेड द कोर्ट शुड बी स्लो टू इंटरफियर विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स अनलेस एलिगेशन ऑफ द माला फाइट आर मेड एंड एस्टेब्लिश। देखिए कभी भी जब तक कि ऐसा साबित ना हो कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है किसी भर्ती में, तब तक हमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा अच्छी अकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है जिस फील्ड में उन्हें सिलेक्शन करना है उससे संबंधित, तो तब तक हमें इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, ये जज बोलते हैं इस वाले केस में। इट वुड बी प्रीडेंट एंड सेफ फॉर द कोर्ट्स टू लीव द डिसीजन ऑन सच मैटर्स टू द एक्सपर्ट्स हु आर मोर फैमिलियर विद द प्रॉब्लम्स दे फेस देन द कोर्ट्स। तो हमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के ऊपर ये छोड़ना चाहिए जिनके पास कोर्ट से ज्यादा नॉलेज होती है इन मैटर्स को लेकर। इफ द एक्सपर्ट बॉडी कंसीडर्स सूटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफाइड पोस्ट आफ्टर गिविंग ड्यू कंसीडरेशन टू ऑल द रेलिवेंट फैक्टर्स देन द कोर्ट शुड नॉट ऑर्डिनरीली इंटरफियर विद सच सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन। देखिए इवेल्युएशन की बात यहां पर आ गई, तो कोर्ट इसमें नहीं जाएगा, सिंपल सिंपल यही बात है, एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ही जाएगा। इन रणविजय सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड। देखिए फिर इसने यहां पर यही चीज कही है, वही सब चीजें हैं सेम सेम, कोई ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है। नीचे चलते हैं। इन द अबव प्रिंसिपल हैज बीन रीइटरेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स वर्सेज अरुण कुमार एंड अदर्स 2020 एंड तजवीर सिंह सोडी एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये सारे इन्होंने साइट किए हैं। इन व्यू ऑफ द डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस हेल्ड अबव वी फाइंड दैट डिसीजन ऑफ द कमीशन टू कैंसिल द क्वेश्चन ऑफ 79 एंड अवार्ड मार्क्स इक्वली टू ऑल कैंडिडेट इन ऑल सीरीज ऑफ आंसर्स मेरिट नो इंटरफेरेंस। ठीक है, हम इस केस में कोई मेरिट नहीं है कि हम इसमें इंटरफियर करें आयोग के डिसीजन पर। दिस बंच ऑफ स्पेशल अपील्स आर अकॉर्डिंगली डिस्पोज इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर डेटेड 8/2/2024 पास इन स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 60/2024। तो आयोग इस पूरा डिसमिस करता है कि इस केस में कोई भी मेरिट नहीं है। तो देखिए बहुत अच्छा खासा लंबा ऑर्डर आया है, पुराने जजमेंट्स को साइट किया गया है और फाइनली आपका 16 वाला प्रश्न यहां पर पूरा विराम लगता है। पूरा ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। अगर क्रक्स की बात करें, समरी की बात करें, तो इसकी समरी यही है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन होते हैं उनके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस होता है, हाई अकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है और वो हमेशा कोर्ट से एक बेटर सिचुएशन में है किसी भी क्वेश्चन को डिसाइड करने के फेवर में। और दूसरी बात यहां पर यह कही गई है कि जब भी रिक्रूटमेंट बॉडी कोई एग्जामिनेशन कराती है, जो यहां पर कमीशन है, उसके पास कुछ विवेकाधिकार होते हैं, कुछ डिस्क्रिशन होता है किसी क्वेश्चन को डिसाइड करने में, और कोर्ट उसमें नहीं जाएगा क्योंकि उसको कुछ अधिकार आपको देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हर क्वेश्चन पर आपका विवाद खड़ा होता रहेगा। तो ये पूरी समरी है। वीडियो अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।